लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, लोगों की जेब पर भी भारी चोट लगी है, जिसका सरकार को भी ख्याल है। उसी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर ITR 1 यूटिलिटी जारी किया गया है, जो कि एक्सेल और जावा फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स में छूट हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब सरकार की कई योजनाओं में 30 जून तक निवेश कर टैक्स में भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं। बताते हैं कि इस नए ITR 1 फॉर्म के फायदे क्या है। इसमें 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक के लिए टैक्स सेविंग निवेश पर छूट क्लेम करने की सुविधा है। इसके लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म में अनुसूची DI को जोड़ा गया है। करदाताओं को कई तरह का लाभ देने के लिए इस फॉर्म को जारी किया गया है। कौन कर सकता है इस फॉर्म का इस्तेमाल? 2019-20 में जो लोग कुछ शर्तों को पूरा करेंगे, वही इस नए ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शर्तों में व्यक्ति को देश का नागरिक होना जरूरी है, NRI अपना टैक्स भरने के लिए इस फॉर्म को भरने के हकदार नहीं है, व्यक्ति की आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन या ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से इनकम वाले ही इसके जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वित्त वर्ष में 5000 रुपए तक की कृषि इनकम वालों के लिए भी यही फॉर्म है। और अगर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या फिर उसका गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश है, या फिर वो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो ITR 1 के जरिए रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। सरकार की तरफ से दी सहूलियत का फायदा उठाकर समय से अपना ITR फाइल करिए और जारी नए ITR 1 फॉर्म का फायदा उठाने से बिल्कुल भी मत चूकिए।